दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो अपना पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं अपने माने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो कुछ इस तरह से आपको दिखता है रिमूवल डिस्क, हमारा जी है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो वो फॉर्मेट नहीं हो पाता है। कुछ हमारा इस हिसाब से मैसेज वगैरह दिखाता है कि आपका फॉर्मेट अनेबल, विंडो वॉज अनेबल टू कम्प्लीट द फॉर्मेट, इस तरह से ऑप्शन आता है। लाख कोशिश करने के बाद भी ये फॉर्मेट नहीं होता है और अपना आप पेन ड्राइव को यूज नहीं कर पाते हैं, जब भी लगाते हैं इस तरह से ऑप्शन आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले आप स्टार्ट में जाइए, यहां पर ही आप सीएमडी प्रॉम्प्ट में जाइए, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और उसका ऊपर राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर कुछ कमांड है जिसको बोला जाता है डिक्स पार्ट। डिक्स पार्ट प्री इनबिल्ट एक कमांड है जो आपके विंडो के साथ मिलता है। यहाँ पे जस्ट हमको डिक्स पार्ट लिखना है विदाउट स्पेस, ये डिक्स पार्ट वाला डायरेक्टरी में चले जाता है। इसके बाद हमको कुछ गिना चुना कमांड लिखना है। आप उससे पहले अपना पेन ड्राइव को इसमें लगा दीजिए। अब हमको देखना है कि कौन सा डिस्क को हमको फॉर्मेट करना है कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए। तो यहाँ पे देखिए, हमको सबसे पहले तो देखना है लिस्ट डिस्क, लिस्ट स्पेस डिस्क हम लोग लिखते हैं। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर जीरो डिस्क, जीरो और जीरो वन, जितना भी डिस्क रहेगा आपको जीरो वन टू इस तरह से दिखा देगा। और हमारा जो पेन ड्राइव है वो डिस्क वन है, तो हमको यहाँ पर डिस्क वन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कमांड डालना पड़ेगा सेलेक्ट डिक्स वन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, और इस डिक्स वन को फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट डिक्स वन वाला कमांड डालते हैं। तो सेलेक्ट डिक्स स्पेस वन डालते हैं, तो ये देखिए आपको बता दे रहा है कि डिक्स वन इज नाउ सेलेक्टेड डिक्स। अब इसको ऊपर हमको काम करना है, सिंपली हमको क्लीन कर देना है। जैसे ही ये क्लीन हो जाता है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पे लिखना है कि क्रिएट डिक्स, क्रिएट स्पेस डिक पार्टीशन प्राइमरी। करने के बाद जस्ट जब हो जाए तो यहाँ पर ही फॉर्मेट स्पेस एफ एस इक्वल टू एन टी एफ एस में इस हिसाब से हमको फॉर्मेट करना है। जब ये क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी होने के बाद दूसरा कमांड लगाना है फॉर्मेट वाला। अब देखिए ये वाला कंप्लीट होगा 6%, 7%, 8%, 9% तरह से कंप्लीट होते होते आपको वक्त लगेगा। तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं 100% जैसे हो जाता है। देखिए ये 100% हो गया वीडियो को पॉज करने के बाद। अब सिंपली यहाँ से आपको जब डिक्स पार्टीशन सब कमांड देने के बाद जब फॉर्मेट हो जाता है तो थोड़ा सा वक्त लगता है। 100% होने के बाद यहाँ से सिंपली आपको एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए और उसके बाद आप अपना माई कंप्यूटर में जाके देख सकते हैं, वो वाला आराम से आपका खुल जाएगा, ठीक है। वो जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वो खुल जाएगा। तो यही छोटा सा ट्रिक था, हम में से सबके साथ ऐसा होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।